हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल नंबर 1। अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ है और उसके बाद कोई प्लूरल नाउन होता है तो आने वाली वर्ब सिंगुलर वर्ब होगी, और वन ऑफ किसी प्लूरल नाउन और रिलेटिव प्रोनाउन को फॉलो करता है तो आने वाली वर्ब प्लूरल वर्ब होगी। आइए इस रूल को एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश फ्रॉम दिल्ली। इस सेंटेंस में वन ऑफ के बाद फ्रेंड्स ये प्लूरल नाउन है तो उसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर वर्ब होगी, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इज। तो करेक्ट सेंटेंस होगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज फ्रॉम दिल्ली। एग्जाम्पल नंबर 2, राम इज वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु डैश गोइंग टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। इन दिस सेंटेंस वन ऑफ इज फॉलोड बाय plural noun employee and relative pronoun who, so correct option is here are. So grammatically correct sentence will be here, Ram is one of the employees who are going to join this program. One of the students dash selected to visit NASA. अब इस सेंटेंस में वन ऑफ के बाद स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है और उसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो उस प्लूरल नाउन के बाद हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वाज, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज सिलेक्टेड टू विजिट नासा। वन ऑफ दिस बुक्स डैश माइन। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन बुक्स है तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होगी, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा अगेन इज। One of these books is mine. इनमें से एक किताब मेरी है। One of the flowers dash wilted. Flowers यहाँ पे plural noun है तो उसके बाद जो verb होगी वो singular होगी, तो correct option यहाँ पे होगा has. Correct sentence यहाँ पे होगा One of the flowers has wilted. I hope ये rule आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं next video में। Bye bye.